हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बतला रहा हूँ। तो जो आप जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कल पास्ट परफेक्ट तक मैंने बताए थे, इम्पोर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम वाली बात होती है। तो जो इम्पोर्टेंट रोल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट पहले बतला दे रहा हूँ, उसके बाद फिर रिविजन करवाऊँगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बाद में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से जो इम्पोर्टेंट टेंस है उसको समझिए। इसके रूल से आज मैंने आपके लिए लिखे हुए अफर्मेटिव रूल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो जरा इनको देखिए। तो अफर्मेटिव रूल में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल। अब जो सेल जो आता है वो आई और वी के साथ आता है, बच्चों इस बात को ध्यान दो, आई वी के साथ सेल आता है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ भी विल आता है, और आई वी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये आपका रूल बना अफर्मेटिव। एक अफर्मेटिव में दूसरा रूल होता है जो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी, बी का यूज होता है, प्लस नाउन आता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब बी का प्रयोग होता कब है, अब ये क्वेश्चन है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का होगा तो राम विल बी अ गुड बॉय, राम विल बी अ गुड बॉय। जब होने वाली बात होती है या बनने वाली बात होती है तो बी का प्रयोग करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विल और सेल के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलती हमको तो जो है बी के बाद में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बनाते हैं। तो जहाँ पर होगा वाली बात होगी वहाँ पर बी का प्रयोग होता है। तो हिंदी में इसको लिख लो, जहाँ पर होना या बनना, होना या बनना वाली जहाँ पर बात होती है, होना या बनना, तो वहाँ पर बी का यूज होता है। किसका यूज होता है, बी का यूज होता है प्लस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब शब्द। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। जैसे ये मान लीजिए मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। वह एक अच्छा लड़का होगा, ही विल बी अ गुड बॉय। अच्छा मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। हाँ तो पहले बोला थोड़ा गलत है, सॉरी फॉर दैट। मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा तब भी यही होगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। ये बात क्लियर है कि जहाँ पर होना बनने वाली बात होती वहाँ पर बी का यूज होता है, इस बात का ध्यान रखो। फिर ये निगेटिव आपको रूल आ गया। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव में विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरीके से इसी में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे वाई वैन वै ये सब, तो इस तरीके से रूल आपके बन जाते हैं। तो इनको रूल देखिए। अब एक तो सेंटेंस अफर्मेटिव में बतला रहा हूँ आपको। तो देखो बच्चों, देखिए इन सेंटेंसेस को, ये अफर्मेटिव है। राम अपना कार्य पूरा करेगा, राम अपना कार्य पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखो कार्य करने को पूरा की इंग्लिश कंप्लीट होती है या फिनिश होती है, तो राम अपना कार्य पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, गा गे की पहचान के रूप में क्या आया, जब भी गा गे की आएगा गा गे की, जब ये वर्ड आपके आएंगे इनमें से तो ये क्या, ये पहचान होगा फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो राम अपना कार्य पूरा करेगा, तो राम विल कंप्लीट हिज वर्क। विवेक का भाई एक अच्छा छात्र होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए गा है, तो विवेक ब्रदर विल बी, होना या बनने के लिए क्या बताया था, बी अ गुड स्टूडेंट, मैं डॉक्टर होऊंगा,
माने फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर। तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अच्छे से पढ़िए, टेस्ट की तैयारी करो। थैंक्स फॉर टुडे।